अस्सलाम वालेकुम, सिंपली वहीदा किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बनाएंगे मैक्रोनी सलाद। सलाद बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक पैन में आप थोड़ा सा पानी लेके उसको बॉईल पे ला दीजिए। फिर हम लोग 200 ग्राम मैक्रोनी इस पे ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर देंगे। मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा एक स्टर दे दीजिएगा। थोड़ी देर बाद मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 5 मिनट बाद आप मैक्रोनी को चेक कर लीजिए। मैक्रोनी हम लोगों को सिर्फ 70% तक ही आपको गलाना होएगा। अगर आप ज़्यादा गलाएंगे तो आपका सलाद मैश ही हो जाएगा। अलग अलग पास्ता अलग अलग किस्म का होता है, तो आप ज़रूर से चेक करिए कि आपका पास्ता 70% to 80% तक गल चुका होना चाहिए। अब हम लोग मैक्रोनी को स्ट्रेन करके एक बोल में निकाल लेंगे और उसको अच्छी तरीके से रूम टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैं क्यूकम्बर को स्लिट करके इसके सीड्स निकाल के चॉप कर दूंगी। आप कैप्सिकम को भी स्लिट करके छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर दीजिएगा। एक टमाटो लेंगे, उसके सीड्स निकाल के टमाटो को स्लिट करेंगे और चॉप कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में। अभी मैं सारे वेजीज हमारे पास्ता में ऐड करूंगी। पास्ता में वेजीज ऐड करने का रीज़न ये है कि आपको एक क्रंच एलिमेंट मिलेगा खाते वक्त, और बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं ये सारे वेजीज। समर के टाइम में आपको इस वेजीज को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और ये पास्ता खासकर समर में ही बनाया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट है, आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ओरिगैनो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ओरिगैनो नहीं है तो भी आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं इसमें 2 टीस्पून केचप ऐड करूँगी। केचप ऐड करने के बाद अभी मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली सॉस ऐड करूंगी। अभी मैं ले रही हूँ फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम मैं 1/2 डाल रही हूँ। फ्रेश क्रीम से टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। अभी मैं ले रही हूँ वेज मेयोनीज। ये छोटा पैकेट आपको पूरा लग जाएगा सलाद में। अगला इंग्रेडिएंट है पाउडर्ड शुगर। शुगर को मैंने मिक्सी में पाउडर कर लिया है और इसको ऐड किया है। 2 टीस्पून शुगर को आप पाउडर करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। क्रीम, मेयोनीज और शुगर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैक्रोनी सलाद हमारी बन चुकी है। यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े की होती है, और आप ज़रूर से ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सलाद कैसे लगे। ये सलाद बहुत ही आसानी से बनता है, आपको ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। गार्निशिंग में आप थोड़े वेजीज यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। सिंपली वहीदा को फॉलो करते रहिए फॉर मोर सच रेसिपीज़।